चलो सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله। आज हमारी 14th क्लास है तजवीद कुरान कोर्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के जो कवायद हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको सीखने का हमारा सिलसिला जारी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं तिलावत कुरान करीम की एक फजीलत से। यह हदीस शरीफ अल मुसन्नफ ले इब्ने अबी शीबा, इसमें यह हदीस शरीफ है, हदीस नंबर है 29954। हदीस के रावी हैं हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال حضرت حسن رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیارے آقا صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فاقة لعبد يقرأ القرآن ولا غنيا له بعده। فرمایا پیارے آقا صلى الله عليه وسلم نے کہ जो शख्स कुरान करीम की तिलावत करता है, जिसका मामूल है, जो कुरान के साथ अपना उठना बैठना रखता है, कुरान करीम को तिलावत करता है, कुरान को पढ़ता है, तो जो कुरान पढ़ता है उस कुरान पढ़ने वाले के लिए क्या है, उस कुरान के बाद उसके लिए इससे बड़ी कोई गिना नहीं। उस शख्स को कभी फाका नहीं होगा जो कुरान पढ़ता है, और उस कुरान के बाद इसके लिए इससे बड़ी कोई गिना नहीं। गिना कहते हैं बेनियाजी, इंडिपेंडेंट होना। इंसान दुनिया में चाहता है कि मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं, मुझे किसी से कुछ जो है ना कुछ मांगना ना पड़े, मुझे किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, मैं जो है खुद हर कोई काम करूं, अपने लिए हर एक चीज ला पाऊं, किसी का मोहताज ना रहूं। तो हदीस मुबारक के मुताबिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसका रिज्क बढ़ता है, उसको फाका नहीं होगा जो कुरान पढ़ता है, और कुरान के बाद उसके लिए कोई गिना नहीं। यानी कुरान के बगैर जो है ना उसको और कोई चीज बेनियाज नहीं कर सकती जैसे उसको कुरान करेगा। इसलिए कुरान करीम के साथ हर एक का रिश्ता इस हवाले से भी रखना जरूरी है, ताकि अल्लाह ताला हमें गिना की दौलत अता फरमाए। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें जो कायदा पढ़ना है वो है इजहार मुतलक। तो पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आप रिप्लाई कर, आप मुझे बताइए ये जो मैंने अल्फाज लिखे हैं यहाँ पे नून साकिन, तो कवायद के मुताबिक यहाँ पे कौन सा कायदा नून साकिन का होगा? जो हमने पीछे यरमलून से यह आ रहा है, यहाँ पे नून साकिन हुरुफ यरमलून के बाद हुरुफ यरमलून से यह आ रहा है, यहाँ पे नून साकिन के बाद हुरुफ यरमलून में से वाव आ रहा है, यहाँ पे नून साकिन के बाद हुरुफ यरमलून में से वाव आ रहा है। तो जब हुरुफ यरमलून में से कोई हर्फ आता था तो हम बोलते थे वहां पे इदगाम हुआ, लेकिन हर एक कायदे की एक्सेप्शन होती है, आप याद रखें। हर एक चीज की तकरीबन एक्सेप्शन होता है, जो भी आप रूल पढ़ते हैं उसका एक्सेप्शन तो जरूर होती है, मुस्तस्नियात जिनको बोलते हैं। खैर, हमें क्या याद रखना है, जो इदगाम का कायदा है उसमें एक पॉइंट आप और याद रखिए, वो पॉइंट याद रखिएगा अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। उसमें क्या होता था, नून साकिन प्लस होता था हुरुफ यरमलून, लेकिन यह होना चाहिए था दूसरे कलमे, हुरुफ यरमलून जो होना चाहिए था वो दूसरे कलमे में होना चाहिए, वहां पे दूसरे कलमे में होता था। जितनी भी आपने पीछे एग्जांपल पढ़ी ना, उनमें नून साकिन के बाद यरमलून में से कोई हर्फ होता था लेकिन वो सेकंड कलमे में होता था, तो वहां पे हो जाता था इदगाम। लेकिन यहां नून साकिन है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी नून साकिन है, लेकिन नून साकिन के बाद देखो आप इन चार हुरूफ में नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून सेम में, सेम वर्ड में, सेम लेटर में, देखो है कि नहीं, नून साकिन के बाद यह है सेम वर्ड में, यहाँ भी नून साकिन के बाद यह है सेम वर्ड में, यहाँ भी नून साकिन के बाद वाव है
सेम वर्ड में है, यहाँ भी नून साकिन के बाद वाव है, सेम वर्ड में। तो जब भी नून साकिन के बाद, क्योंकि ये चार ही कलमात है फिलहाल कुरान करीम में, ये चार कलमात आएंगे जिनमें नून साकिन के बाद हुरूफ यार मलून भी आएगा, लेकिन क्योंकि वो हुरूफ यार मलून सेम वर्ड में होगा इसलिए वहां पे इदगाम नहीं होगा बल्कि इजहार होगा। क्या होगा? यहाँ पे इजहार होगा, और उस इजहार को कहते हैं इजहार मुतलक। क्या बोलते हैं? इजहार मुतलक। तो इसको हम दुनिया नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे दुनिया, जैसे हम पढ़ते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया, ठीक है, इस तरह यहाँ भी इसको हम पढ़ेंगे इजहार ही करेंगे, बुनिया नून इजहार करेंगे नून को, सिनवा नून इस नून में भी इजहार करेंगे, तीन मानो इस नून में भी इजहार करेंगे। ये मैंने बताया आपको कि ये कुरान में यूज हुए चारों वर्ड, जैसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया, तो वह पे आप दुनिया नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये कायदा आ गया आपको समझ। चलिए अब आते हैं हम सकता पे। सकता का माना भी होता है एक का रुकना, पॉज, मगर इस पॉज में थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सकता का माना होता है पॉज, मगर कौन सा पॉज? आवाज रोककर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सकता कहते हैं। आवाज रुकेगी यानी वॉइस अब स्टॉप करोगे मगर सांस नहीं लोगे। दूसरा एक पॉज होता है, उस पॉज को हम कहते हैं वक्फ, वह हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए वक्फ में दो चीजें होती हैं, देखिए ये आप याद रखिए, वक्फ में दो चीजें होती हैं, वो दो चीजें क्या है? एक होता है वक्फ में आवाज रुक जाती है, आवाज रुकती है। दूसरी चीज क्या होती है? सांस भी छोड़ते हैं हम, आवाज और सांस दोनों सांस छोड़ते हैं, यानी नई सांस लेते हैं। मिसाल हमें करना है, हमें रब्बिल आलमीन, यहाँ पे हमें वक्फ करना है, हम करेंगे रब्बिल आलमीन, सांस भी रुक गई, आवाज भी रुक गई, और सांस भी हम रोकेंगे, फिर हम नए से सांस लेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। मिसाल में बोला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर मैं सांस लूंगा, फिर पढ़ूंगा अर्रहमान अर्रहीम, तो हम सांस लेते हैं। जब भी हम पॉज करें, पॉज करते ही हम इसलिए हैं ताकि हम सांस ले पाए, ठीक है, उस पॉज को कहते हैं वक्फ, जहां पे सांस भी हम छोड़ते हैं यानी दूसरी सांस लेते हैं नए से। लेकिन सकता में क्या होता है? सकता में ऐसा होता है कि यहां पे पॉज तो होगा, सकता जो है ना, सकता में क्या होता है, आवाज तो रुकती है, आवाज रुकती है, लेकिन जो सांस है सांस नहीं रुकती, सांस जारी रहती, ठीक है, यही लिखा है मैंने, आवाज रोककर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सकता कहते हैं, यानी आवाज रुकेगी और सांस जारी रहेगी। अब सकता कहाँ करना है? सकता इन चार कलमात में वाजिब, ये जो चार वर्ड्स हैं इनमें सकता वाजिब है कुरान करीम। तो जहां वहां पे सकता ए लिखा होता है, देखो ये आपको दिख रहा है सकता लिखा हुआ, ये सकता लिखा हुआ होता है वहां जहां पे, या सीन ही इतना लिखा होता है, सिर्फ सीन, या सकता लिखा होगा या सीन लिखा होगा, तो दोनों को आपको अंडरस्टैंड करना है। देखिए ये है, ये सकता, ऐसे यहाँ पे लिखा है सकता, यहाँ पे लिखा है सकता, चार ही जगह पे सकता होगा कुरान, इन चार कलमात में सकता करना वाजिब है। तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे ऐसे वकील अमन रॉकिन, अगर हम वक्फ करते हैं ना, हम पढ़ते हैं वकील अमन फिर सांस छोड़ते ऐसे, फिर रॉकिन, ये हो गया वक्फ। लेकिन जब हम सख्त करेंगे हम पढ़ेंगे वकील अमन रॉकिन, नई सांस नहीं लेनी, ये याद रखना है आपको, मैं आपको जज नहीं कर सकता ना आप मुझे कर सकते हो, ये आपको खुद सोचना है, समझने की कोशिश करो। इस तरह है यहाँ पे कल्ला बल रोना, तो बल पे मैं रुक गया लेकिन मैंने नई सांस नहीं ली, मैंने वही सांस रखी, वो कहते हैं ना सांस को पकड़ के रखते हैं,
सांस नहीं छोड़ते। वकील अमन रोकिन, नई सांस नहीं लेंगे। कल्ला बल रोना, ऐसे है यहाँ पे। मिम रुकदीना हाजा, यहाँ पे भी सांस नहीं छोड़नी, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए आप, देखिए। मिम रुकदीना हाजा, आपको थोड़ा मुश्किल सा होना चाहिए। एक बार फिर पढ़िए सब। मिम रुकदीना हाजा, समझ आ गया? सत्ता में भी वक्त के रूल्स अप्लाई होंगे। वक्त के रूल क्या है? वक्त का रूल ये है कि मुतहरिक को साकिन किया जाता है। क्या किया? दो जबर को अलिफ से बदलना, ये वक्त के रूल है। वो आप आगे में पढ़ाने जा रहा हूँ आज। फिलहाल आप याद रखिए, मुतहरिक जिसके ऊपर जबर जेर पेश होगी उसको साकिन करेंगे, जिसके ऊपर दो जबर होंगे उसको क्या करेंगे? अलिफ से बदलेंगे। मिसाल ये देखो, हमारे पास इवाजा, इस इवाजन था, इस पे हमें वक्फ करना है। इवाजन से हम सत्ता की तरफ इसको ले जाएंगे। इवाजा भाई ये मान, सत्ता करना है, सांस नहीं छोड़नी है, ख्याल रखना। इवाजा भाई ये मान, समझ आ रहा है? मैं आप कुरान के आयतों से एग्जांपल आपको दूंगा। देखिए हम पढ़ते हैं आयत, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सीन देख रहे हैं लिखा हुआ यहाँ पे। इस आयत में हमें यहाँ पे करना है, हम पढ़ते हैं इसे, सूरह क़यामा की आयत। हवाला दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है पीछे जो मैंने दिए हैं, ये सूरह क़यामा में ही आयत, आखिरी कुछ आयत में ही सूरह क़यामा। अल्लाह ताला फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकील मन राकिम राक, यहाँ पे भी मैं वक्त करूंगा, ऐसे पढ़ेंगे। कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकील मन राकिम वज़न अन्नहु अल-फिराक, इससे आगे वल्तफत साकु साहब। ऐसे ही दूसरी आयत सूरह मुतफ़िफ़ीन में है, सूरह मुतफ़िफ़ीन, हाँ ये सूरह मुतफ़िफ़ीन में, तो हम पढ़ेंगे कल्ला बल रोना, ये सकता लिखा हुआ, ये यहाँ पे या सकता लिखा होगा या सीन लिखा होगा। कल्ला बल रोना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, समझ आ रहा है? यहाँ पे हम रुकेंगे लेकिन सांस नहीं छोड़ेंगे। कल्ला बल रोना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इस तरह ये सूरह कहफ की पहली आयत है। सूरह कहफ आप पढ़ेंगे तो ये आयत, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिही अल-किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िरा बअसा शदीदा मिन लदुन्हु वयुबश्शिर। ठीक है, देखो मैंने क्या पढ़ा, वलम यजअल लहू इवजा, मैंने दो जबर को किस में बदला? अलिफ में मैंने बदला, इवजन से इवजा, जी मुझे जबर जा। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि हम फिर नून साकिन की क्यों नहीं लिखते हैं तनवीन की जगह। अगर यहाँ पे तनवीन की जगह नून साकिन लिखा होगा तो इसको अलिफ कैसे, हम अलिफ में कैसे बदलती? और आप बोल रहे थे कि अलिफ क्यों लिखते हैं एक्स्ट्रा अगर पढ़ा नहीं जाता है, तो उस अलिफ का काम यहाँ पे भी हमें लेना पड़ता है। ये वजह, जब तनवीन को हम किससे बदलते हैं? अलिफ से बदलते हैं, दो जबर को जब अलिफ से बदलते हैं। तो फिर मैं एक बार पढ़ता हूँ, वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन, मैं यहाँ पे रुका लेकिन मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। वलम ये रखना चाहिए कि आपने स्टॉप किया, कम से कम 1 सेकेंड करो। वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन, आप अगर ऐसे पढ़ोगे वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन, ये लगेगा ही नहीं रुकते, थोड़ा सा रुकना है कि लगे कि यहाँ पे इसने स्टॉप किया, ऐसा लगे कि ये बातें करता करता रुक गया, तिलावत करते करते रुक गया, फिर आगे पढ़े, उनको लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ हो गया, पॉज लगना चाहिए। यहां तो क्लियर हो गया। चलिए अब हमें एक और कैटेगरी देखनी है हरूफ की। कुरान करीम में कहीं ये सीन लिखा होता है सात के ऊपर,
ये चार कलमात में जिनमें सौद के ऊपर सीन लिखा होता है। ये सिंपल है, याद रख। पहले और दूसरे में सौद को सीन पढ़ी, यहाँ पे भी सीन पढ़ेंगे, यहाँ पे भी सीन पढ़ी। इसमें जो है ना, इसमें इख्तियार है, इसको सौद भी पढ़ सकते हैं सीन भी पढ़ सकते हैं दोनों। लास्ट वाले में सिर्फ सौद पढ़ेंगे इसमें। ये चार कलमात आएंगे, इन चार कलमात को पढ़ने का तरीका याद रखिए। इसको सौद की जगह सीन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, यब सुतो, अब सुतो नहीं पढ़ेंगे, सौद को पूर्ण नहीं पढ़ेंगे, सीन पढ़ेंगे, यब सुतो। इस तरह यहां भी सौद की जगह क्या पढ़ेंगे, सीन पढ़ेंगे, बस पोतन, बस पोतन। अब सौद को पूर्ण नहीं पढ़ेंगे, सीन पढ़ेंगे इसकी जगह। यहाँ पे दोनों जो है ना ऑप्शंस हमारे पास है, हम पढ़ेंगे अम हुमुल मुसैतिरूना, पहले मैंने सौद पढ़ा, अम हुमुल मुसैतिरूना, अब सीन भी पढ़ सकते हैं, अम हुमुल मुसैतिरूना, मुसैतिरूना, मुसै, मैंने सौद भी पढ़ा, सीन दोनों भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर ये है सूरह तूर में आयत नंबर 37, बस पतन है ये सूरह आराफ में आयत नंबर 69, या वो सुतु सूरह बकरा आयत नंबर 245 में, भी मुसैतिरिन ये है सूरह गाशिया में, तो इधर सौद ही पढ़ना है। तो मतलब लस्त अलैहिम भी मुसैतिर, वहां पे सूरह गाशिया में लस्त अलैहिम भी मुसैतिरिन, वहां पे सौद पढ़ना है सीन की जगह। तो ये आ गया समझ, यब सुतो और बस्तन में सौद की जगह सीन, बे अम हुमुल मुसैतिरून में दोनों अलावा सौद भी पढ़ सकते हैं सीन भी पढ़ सकते हैं, बे मुसैतिर में सिर्फ सौद पढ़ेंगे। ये चारों वर्ड भी आपको याद रखने हैं, यही चार वर्ड है जिनमें ये चीजें आएंगी। आएंगे नेक्स्ट कायदे पे, मैंने बोला आज थोड़े रैंडम कवायद हमें पढ़ने हैं, ये को इसलिए हम ये कुछ कवायद खत्म कर रहे हैं, ये आखिरी कवायद में से। तसहील, तसहील का माना होता है नरमी करना, क्या होता है नरमी करना, नरमी किस में करना है, यानी दूसरे हमजा को नरमी के साथ अदा करना, दूसरे हमजा, जब दो हमजा एक साथ आएंगे ना उसमें दूसरे हमजा को जब हम नरमी से पढ़ेंगे उसको कहते हैं तसहील। यहाँ पे देखो दो हमजा आ रहे हैं, ये एक ये दूसरा, अब दूसरे वाले को हम करेंगे तसहील इस वाले हमजा को। पहली बात आपको याद रखनी है, हो सकता है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, बताइए तस्हील किस में होती है, पहले हमजा में या दूसरे में, तो आप बोलेंगे दूसरे में होता है। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, तस्हील का अपोजिट होता है तहकीक, तहकीक का माना क्या होता है, देखो बोलू तो दो हमजा जहां भी आए ना इस कलमे के बगैर, मिसाल हमारे पास है, आप अगर सूरह बकरा पढ़ेंगे ना शुरू में तो आप वहां पे एक चीज पाएंगे, आप लिखा हुआ ऐसे पाएंगे, ऐसे अंधर तुम कैसे, या ऐसे है किसी जगह आप ये पाएंगे, जुबर अंजला, या आ तुम, शायद ये सूरे मुल्क में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमजा दो आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो हमजा आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो हमजा आ रहे हैं, तो दो हमजा जहाँ आए नॉर्मली उधर क्या होता है, नॉर्मली उधर होती है तहकीक, तहकीक का माना होता है दोनों हमजाओं को थोड़ा एक सख्ती तरीके से पढ़ना, यहाँ हम कहेंगे वो दोनों हमजा जो है ना वाजे जैसे होने चाहिए, इनमें नरमी नहीं होनी चाहिए, सख्ती टाइप होनी चाहिए। कैसे, देखिए आ आ जर तुम, आ आ जर तुम, आ आ जर तुम,
दोनों में आ आ साउंड जो है ना, दोनों में हमजा जो है ना वाजे दिख रहे हैं, तो इसमें एक तरफ की सख्ती होती है। आ आ जर तुम, इसके बरक्स देखिए इसमें क्या होता है, आ जमीन, ये जो है ना आ आ जमीन व अरबी। देखिए इसमें क्या होता है, इस हमजा को तो हम ऐसी तहकीक के साथ पढ़ेंगे आ ये, लेकिन ये जो है ना आइन इसके साथ है, तो हम पढ़ेंगे आ और इसको आ नहीं हम करेंगे, बल्कि इसको नरमी के साथ लेंगे आ। समझ आ रहा है, पहले हमजा को तो हमने तहकीक के साथ पढ़ा जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा था आ जर तुम, यहाँ पे इस हमजा को हमने नरम नहीं किया आ, नरम का मतलब होता है ऐसे करना, आ की जगह आ आराम से आ नरमी से पढ़ना, तो वो हो गया तसहील। नरमी से पढ़ने को क्या कहते हैं, तसहील, नरमी न करने को कहते हैं तहकीक। तो सिर्फ एक कलमा है कुरान में जहां पे तसहील होगी, वो ये है आ और जमीयुन। इसमें दो गलतियां हो सकती हैं, अगर हम पढ़ेंगे आ जमीयुन आ आ आ आ दोनों को आ आ किया ना, तो दोनों में फिर तसील नहीं होगी। दूसरा यह हो सकता है आधे कर सकें, इसको ऐसे करेंगे आ आ जमीयुन, इसको हमजा ये अलिफ मद्दा बना देंगे, अलिफ मद्दा भी नहीं बनाना है बल्कि हमजा ही रखना है, थोड़ा सा नरमी के साथ पढ़ना है आ आ जमीयुन। समझ में आ गया, फिर मैं एक बार पढ़ूंगा, इस वाले हमजा में नरमी करनी है, इस वाले हमजा, ये वाला हमजा जो है, ये वाला दूसरा वाला हमजा, तो हमें पढ़ना है आ और जमीयुन। फिर पढ़ता हूं, इसमें दूसरे हमजा में हमें क्या करनी है, दूसरे हमजा में हमें तसील करनी है, यानी इसको नरमी के साथ पढ़ना है, और की जगह और जमीयुन। हाँ, तो ये तसहील का कायदा जो है ना, ये पढ़ाया गया है अरबी कोर्स में अच्छे से, महमूज के कवायद ने पढ़ाए हैं यहाँ पे अरबी ग्रामर की जो कोर्स है वो आप देख लेना, वहाँ पे महमूज के कवायद आप देखिए, तो वहाँ पे तसहील के सारे रूल्स इन्होंने पढ़ाए, वहाँ पे भी इसको कोई डिटेल में समझना चाहता है तो वो देख लीजिए। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, उसको बोलते हैं इमाला, जबर को जेर की तरफ, जबर को किसकी तरफ, जेर की तरफ, और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं, जबर को जेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं, यानी जबर को जेर नहीं बनाना है बल्कि जबर को जेर की तरफ माइल करना है, यानी बेंड टाइप करना है, जबर को जेर की तरफ बेंड करना है, इस तरह अलिफ की आवाज को या की तरफ ले जाना है, यानी कि अलिफ की प्योर आवाज हम नहीं निकालेंगे ना जबर की प्योर आवाज निकालेंगे, तो उसको जेर की तरफ लाएंगे, यानी वो पूरा जेर नहीं बनेगा, ना वो जबर रहेगा ना वो जेर रहेगी, इस तरह ना वो अलिफ रहेगा ना या रहेगी, वो बीच वाला कुछ बन जाएगा, बीच वाली जो कंडीशन बन जाएगी उसी को कहते हैं इमाला। क्या कहते हैं, इमाला। मैं मिसाल दूंगा, इमाला सिर्फ एक कलमे में करना है कुरान, वो है मजरेहा, इसको मजरेहा पढ़ना, जो मजरेहा इसकी जो रॉ है ना, ये वाली रॉ, इसमें इमाला होगा। असल में पता है ये क्या था, मैं बाद में आपको कुरान की एग्जाम्पल दूंगा, ये था लफ्ज हमारे पास मज, मीम जीम जबर, मज रॉ अलिफ जबर रॉ हा अलिफ जबर हा, क्या था ये, मज रॉ हा, ये असल में था मजरोहा। अब इस पे दो कवायद अप्लाई करनी है, अलिफ को जबर को जेर की तरफ, जबर को जेर की तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा मजरीहा, मज मीम जीम जबर मज, तो जबर को जेर की तरफ इसकी नीचे जेर आएगी, अलिफ को या की तरफ इस अलिफ की जगह या लाएंगे, ये बन गए ऐसे मजरीहा बन गया था, ठीक है।
लेकिन हमें पूरा जबर को जेर नहीं बनाना है, ना अलिफ को या बनाना है। लिखने में तो ये ऐसा आएगा, या इसको हम या मदा की तरह रिप्लेस, या मदा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं खड़ी जेर से, क्योंकि या मदा खड़ी जेर के बराबर होती है। मीम जीम जबर मज रॉ खड़ी जेर री अलिफ जबर हा मजरी हा, बन गया नहीं ऐसा ही। देखो असल में था मजरोहा, तो जबर को जेर की तरफ लाया, अलिफ को या की तरफ लाया, तो बन गया मजरीहा। लेकिन हमने लाना नहीं था, पूरा जेर नहीं बनाना था, ना अलिफ को या बनाना था, बल्कि माइल करना था। क्या करना था? माइल, ये याद रखना। तो माइल जब हम करेंगे, वो माइल वाली हम कंडीशन चूंकि वो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम उस कंडीशन में इसको। तो ये रॉ जो था ना, ये पहले था रॉ, रॉ खड़ा जबर रॉ, या रॉ अलिफ जबर रॉ, ये बन गया रॉ खड़ी जेर री। तो ना हमें रॉ पढ़ना है ना री पढ़ना है, बल्कि हमें बीच वाली कंडीशन पढ़नी है। तो बीच वाली कंडीशन बनेगी रे, क्या बनेगी? रे, जैसे हम कतरे कतरे पढ़ते हैं, नुक्ते, ऐसे पढ़ेंगे कतरे की तरह इसको। तो इसको पढ़ेंगे ना, इसको मजरोहा पढ़ेंगे ना मजरीहा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको मजरेहा। क्या पढ़ेंगे? मजरेहा, इस ये की तरह मजरेहा। जैसे हिजे ऐसे करेंगे, मीम जीम जबर मज रॉ इमाला वाली रे मज रे हा अलिफ जबर हा मज रे हा। हिजे ऐसे ही करते हैं इसके, मीम जीम जबर मज रॉ इमाला वाली रे मज रे हा अलिफ जबर हा मज रे हा। फिर मैं बताऊंगा ये कायदा, जबर को जेर की तरफ, अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। इनको जबर को जेर नहीं बनाना है, ना अलिफ को या बनानी, बल्कि जबर को जेर की तरफ माइल करना है और अलिफ को या की तरफ माइल करना है, यानी बेंड करना है। जब हम किसी चीज को बेंड करते हैं तो उसको फिर तोड़ ही नहीं देते, थोड़ा वो जो है ना अपनी ओरिजिनल कंडीशन से थोड़ा नीचे झुक जाता है, नीचे जमीन पे भी नहीं लगता फिर, लेकिन बेंड थोड़ा हो जाता है। ऐसे ही मानो यहाँ पे भी। तो मैंने फिर आपको एग्जाम्पल से सिखाया, असल में ये था मजरोहा, ठीक है, यहाँ पे जबर था, यहाँ पे अलिफ था, अलिफ को जबर को जेर की तरफ लिया मैंने, अलिफ को या की तरफ लिया, ये बन गया था मजरीहा। लेकिन हमें पूरा नहीं बनाना था, तो लिखते अगर हम ऐसे हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम इसको कि ये बेंड ही दिखे, ये माइल दिखे, ये टेंडिंग टूवर्ड जेर है, ये टेंडिंग टूवर्ड या है अलिफ। तो ये ना मजरोहा रहा ना मजरीहा रहा, जब ये इसमें इमाला हो गया तो ये मजरेहा बन गया। हिजे फिर करेंगे, मीम जीम जबर मज रॉ इमाला वाली रे मज रे हा अलिफ जबर हा मज रे हा, ठीक है। ये कुरान करीम की एक सूरत में है ये आयत, लतला फरमाता, ये आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरु रहीम। जब चढ़ते हैं ना उस वक्त ये दुआ भी पढ़नी चाहिए, किश्ती में सवार होने की दुआ, या समंदरी जहाज में वगैरह, जो भी पानी में जो भी व्हीकल्स चलते हो। हाँ, ये एक ही जगह होगा, इमाला एक ही जगह होगा। फिर बताऊंगा मैं, जबर को जेर की तरफ, अलिफ को या की तरफ माइल करना है, पूरा बनाना नहीं। अब उस कंडीशन को हम जाहिरन लिख तो नहीं सकते हैं, किसी कंडीशन में हम जेर ही लिखते हैं नीचे। अच्छा, अब एक मसला होता है कि इमाला वाली ये जेर है, ये पुर होगी या बारीक, आपका गुमान क्या कहता है? इसको बारीक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसको जेर की तरफ हमने लाया है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं रही, जब ओरिजिनल में नहीं रही तो फिर बारीक ही पढ़ेंगे। पुर कंडीशन इसकी थी डिफॉल्ट, ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन, लेकिन उसमें बात रही है तो ये बारीक होगी। ये इमाला समझना होता है ठहरना, मैंने आपको पहले ही बताया, वक्त जहां पे करते हैं वहां पे क्या होती है, दो चीजें, एक आवाज रुकती है, आवाज रुकती है, दूसरी सांस भी रुकती है, सांस भी खत्म होती है, सांस भी रुकती है, सांस भी हम खत्म करते हैं और नई सांस लेते हैं, ठीक है। अब जब ये होगा ना, आवाज भी रुकती है, सांस भी रुकती है, फिर कुछ कवायद अप्लाई होते हैं, ठीक है, कुछ कवायद अप्लाई होते हैं वहां पे आखिरी हरफ पर। आखिरी हरफ में कुछ चेंजेस आती, जो आखिरी लफ्ज है ना उसमें कुछ चेंजेस आती, आखिरी लफ्ज में क्या चेंजेस आती हैं? अगर आखिरी लफ्ज पर जबर हो, ठीक है, ऐसे, या जेर हो, या पेश हो,
कब्र हो सकता है, या तो इस तरह दो जेर हो सकती है, या इस तरह दो पेश हो सकती है, या आखिरी हर्फ पर खड़ा जबर हो सकता है, या खड़ी जेर हो सकती है, या उल्टा पेश हो सकता है। समझ आया? आखिरी हर्फ पर या जबर हो सकती है, जेर हो सकती है, या पेश हो सकती है, या दो जबर दो जेर दो पेश, या खड़ा जबर खड़ी जेर या उल्टा पेश, ये चीजें हो सकती हैं। अब इनको चेंज करना है, कुछ कुछ चेंज आएंगे, कुछ वो चेंज आप याद रखेंगे। क्या चेंज आएंगे? देखिए, जबर जेर पेश इनको साकिन कर देंगे, जबर भी साकिन हो जाएगा, जेर भी साकिन हो जाएगा, पेश भी साकिन हो जाएगा। दो जबर को छोड़िए, दो जेर भी साकिन हो जाएगी, दो पेश भी साकिन हो जाएगी, खड़े जबर को छोड़िए, खड़ी जेर भी साकिन हो जाएगी, उल्टा पेश भी साकिन हो जाएगा। ये कलर दिख रहा है, कलर दूसरा चेंज यूज करो। देखो, जबर भी साकिन हो जाएगा, जेर भी साकिन हो गई, पेश भी साकिन हो जाएगी। दो जबर को छोड़िए, दो जेर भी साकिन हो जाएगी, दो पेश भी साकिन हो जाएगी, खड़ी जेर भी साकिन हो जाएगी, उल्टा पेश भी साकिन हो जाएगी। ठीक है, अब कौन कौन बच गया? देखिए, दो जबर का अभी बताया था मैंने, दो जबर को क्या करेंगे, दो जबर को अलिफ में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? अलिफ में चेंज। और खड़ा जबर के साथ एक और कैटेगरी आती है, खड़ा जबर हरूफ मद्दा, हरूफ मद्दा, खड़ा जबर और साकिन हर्फ, कितने बन गए? तीन हरूफ मद्दा, खड़ा जबर और साकिन हर्फ, ये चेंज नहीं होते, इनमें नो चेंज, ये सेम रहेंगे, वक्फ में भी ये कुछ नहीं मानी। खत्म। एक रहेगा मुशद्दद हर्फ, मुशद्दद हर्फ अगर लास्ट पे आ जाए तो उसमें क्या होगा, उसको हम साकिन करेंगे लेकिन तशदीद बाकी रहेगी, तशदीद बाकी रहेगी, यानी दो बार पढ़ेंगे मगर साकिन करेंगे। तो एक मिनट में आपको ये आप एग्जांपल्स पे ले चलता हूँ। चलिए जी, बताइए, यहाँ पे बताते जाइए आप जो मैं पूछ रहा हूँ। सादिकीना में आखिरी हर्फ कौन सा है? आखिरी हर्फ क्या है? जबर है, तो जबर को साकिन कर देंगे, ये बनेगा सादिकीन, साथ में यहाँ पे मदे आरिज बन जाएगी। नादिमीना जबर है, तो जबर को वक्फ में किस में बदलेंगे, जबर को वक्फ में किस में बदलेंगे, जज्म में बदलेंगे ना, ये हो गया नादिमीन। आखिरी हर्फ पर जबर है तो इसको क्या करेंगे, साकिन, ये बनेगा मुस्तकीम, साथ में मद भी बनती जाएगी। मुस्तकीमा में सिर्फ हरफ मद था या मद, लेकिन जब हम इस पे साकिन सुकून करेंगे तो ये मद आरिज बन जाएगा। फी ही, तो इसको पढ़ेंगे फी, हाँ लास्ट पे साउंड निकलना चाहिए, फी। शफतैनी, इसको पढ़ेंगे शफतैन, क्योंकि जेर को भी क्या करेंगे साकिन, यहाँ भी जेर को साकिन। अब है बिल हक की, यहाँ पे तशदीद है, इस मुशद्दद हर्फ को मैंने यहाँ पे ये कहा कि इसको साकिन करेंगे लेकिन तशदीद पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो बता दो। देखो, ये बिल हक, अब इसको हम साकिन करेंगे, ये पढ़ेंगे बिल हक, 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 दो बार पढ़ेंगे लेकिन हरकत इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, साकिन कर दिया हमने लेकिन तजदीद पर। इस तरह है, इन अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी, 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 वो था नबी, तो नबी की जेर को हमने नहीं पढ़ा, नबी दो बार या पढ़ा गया। समझ आ गया ना तजदीद वाला? नस्तईनु में पेश है तो पेश को भी क्या करेंगे, पेश को भी साकिन करेंगे। यशा, नस्तईनु को बनेगा नस्तईन, इस तरह है। यशाउ, यशा उ को क्या बनेगा, यशा, यशा, लास्ट पे आ की आवाज निकलती है, यशा, मखरज रुकना चाहिए आ पे। हाँ, म्यो कबलु, ये बनेगा म्यो कबल, क्योंकि पेश को भी क्या करना है साकिन। शहरिन, दो जेर, बताओ दो जेर को क्या करेंगे, दो जेर ये है, दो जेर को भी साकिन करेंगे, शहरिन को शह, शाह, शाह, ये ऐसे तख्त सख्त आधे बोलते हैं ना, सख्त वक्त, वो वक्त सख्त नहीं है,
वह सख्त वक्त शख्स। इस तरह है ये शख शख रो पढ़ा जाएगा लेकिन हरकत के बगैर। शाई इन दो जेर हैं, दो जेर भी वक्त में साकिन हो जाएंगे तो शाई शाई यहाँ पे मद आरिज बन जाएगी नीचे। किस्ती तो वक्त करेंगे, किस्त दो साकिन मिल जाएंगे तो को कलकला भी करेंगे किस्त। लहुन में दो पेश है तो दो पेश में नहीं आए लिखे, थोड़ा साफ लिखता हूँ। दो पेश को भी क्या करेंगे, साकिन करेंगे तो बन गया लाह लाह। कदीरुन कदीरुन से बन गया कदीर। अब मैं आपको एक पूछता हूँ, एक रूल में देखता हूँ याद है। कदीर ये वाला जो नीचे वाला कदीर है इसका रॉपुर होगा या बारीक, जरा बताइए। बारीक होगा क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था रॉ साकिन से पहले अगर याए साकिन हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। रॉ साकिन से पहले याए साकिन, वेरी गुड माशाल्लाह। तो कदीर तो साथ में यहाँ पे दो पेश को हमने किस में तब्दील किया, साकिन। बारकुन दो पेश को साकिन करेंगे बारक बारक। बिही खड़ी जेर, खड़ी जेर ये है, खड़ी जेर को भी क्या करते हैं, साकिन करते हैं। सिर्फ दो ही में थोड़ा डिफरेंट है, वो ये दो है। पैबादी ही खड़ी जेर है, खड़ी जेर को क्या बन जाएगा, साकिन बन जाएगा। देखिए पैबादी बेअम्री ही को बनेगा बेअम्री, क्या बनेगा बेअम्री। इस तरह है रब बहु उल्टा पेश है, ये क्या बनेगा रब बह, क्या बनेगा रब बह। अखलदहू खड़ा उल्टा पेश को यहाँ पे उल्टा पेश भी क्या हो जाता है, साकिन हो जाता है। अखलदह कहाँ गई। मवाजीनुहू उल्टा पे ये भी बन जाएगा साकिन, मवाजीनुह। अब बताइए यहाँ पे आ रहा है दो जबर, दो जबर को क्या बोला था मैंने, किस में तब्दील करेंगे, दो जबर को किस में करेंगे तब्दील, शबाश अलिफ में। तो अल्फाफन इससे क्या बन जाएगा, अल्फाफा क्या बन जाएगा, अल्फाफा। इल्मन से इल्मा, नबीयन से नबीया, कुव्वतन से। अच्छा ये एक कायदा मैं आपको बताऊंगा अभी, एक और कायदा याद, ये मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। राउंड था जिसको हम गोल ता कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है या कभी ऐसे लिखा जाता है लास्ट, इसको बोलते हैं गोल ता। गोल ता को वक्फ में हा साकिन में बदल देंगे, जज्म वाले हा में, जैसे यहाँ पे उवतन से उवह, एक तो हा में और साथ में साकिन में, हा साकिन में उवतन से कुवह। जैसे अजान पढ़ते हैं ना, अजान में है हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती, लेकिन मुअज्जिन क्या पढ़ता है हय्या अला सला, क्योंकि वो वहां पे वक्फ करता है बोलता पे सला, सलात की तरह हम सलात मत पढ़ते हैं हय्या अला सलात, क्योंकि वहां पे राउंड ता है, राउंड ता को वक्फ में किस में बदलेंगे, हा साकिन में। राकबा तीन से बन जाएगा राकबा, राकबा क्या बनेगा राकबा। जारियतुन से बन जाएगा जारिया, जारिया बोलता को हम बदलेंगे। आप देखिए यहाँ पे वतवल्ला ये खड़ा जबर है, बताओ खड़ा जबर में क्या होगा, खड़ा जबर को क्या करेंगे, सब बताइए। हाँ खड़ा जबर में कोई चेंज नहीं, और किस में नो चेंज होती है, खड़ा जबर में भी हुरूफ मद में साकिन में भी वही आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए तो वतवल्ला वतवल्ला ही रहेगा, मिनल उला ही रहेगा, फतरदा फतरदा ही रहेगा, यह है ना उसमें सूरह दोहा में, वद्दोहा को वद्दोहा ही पढ़ेंगे वक्फे में भी वसल में भी। वन हर ये साकिन हर्फ है, साकिन हर्फ भी चेंज नहीं होगा ठीक है, वन हर ही रहेगा। फरगब 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 ही रहेगा क्योंकि साकिन हर्फ में नो चेंज। फहद्दिस ये भी फहद्दिस रहेगा, फीहा फीहा ही रहेगा, तहतदू तहतदू ही रहेगा, कौली
कौली ही रहेगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, हरकात हमारे पास है जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, उल्टा खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। इनमें हम खड़ा जबर और दो जबर को छोड़ के सबको साकिन करेंगे। खड़ा जबर और दो जबर को छोड़ के सबको साकिन करेंगे। फिर रह गया खड़ा जबर को, ये दो जबर को क्या करेंगे, दो जबर को हम करेंगे काम, इसको अलिफ से बदलेंगे। और खड़ा जबर के साथ और भी कुछ लोगों को मिलाएंगे हरूफ मद्दा को, और फिर साकिन हरफ, इन सब को हम जो है ना, इनको कोई चेंज नहीं होगी। फिर बच गया था मुशद्दद हरफ, मुशद्दद हरफ को साकिन तो करेंगे लेकिन साथ में तशदीद बाकी रहेगी उसकी, यानी दो बार पढ़ा जाएगा। इस तरह गोल ता को हा साकिन में बदलेंगे। क्या आ गया समझ? फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ पीछे से, जो क्वेश्चन होंगे वो मैं लास्ट पे अब देखूंगा, टाइम मत ज्यादा हो गया। इजहारे मुतलक होता है, ये छह कलमात ऐसे हैं जिनमें नून साकिन के बाद हरफे अरमलों सेम कलमे में आता है, उसकी वजह से यहाँ पे इदगाम नहीं होता बल्कि इजहारे मुतलक होता है। सकता होता है, यहाँ पे सांस जारी रहती है और आवाज रुक जाती है, यानी सांस को हम नहीं छोड़ते, सांस वही सांस रहती है जारी। सकता चार कलमात में करना वाजिब। इसी तरह फिर मैंने आपको पढ़ाया था सीन, कहीं लिखा होता है सीन में यह है कि पहले दो में सीन पढ़ेंगे और सौद की जगह सीन पढ़ेंगे, और तीसरे में सौद और सीन दोनों पढ़ने जाए थे, चौथे में सिर्फ सौद पढ़ेंगे। फिर मैंने तसील पढ़ाया था, तसील का मतलब होता है नरमी करना, नरमी हमें दूसरे हमजा में करनी, पहले हमजा में नहीं दूसरे में नरमी के साथ, आजमी अरबी। फिर मैंने इमाला पढ़ाया, इमाला जो है ना एक कलमे में होता है, इसमें होता है जबर को जेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ मायल किया जाता है, जबर को जेर बनाया नहीं जाता है ना अलिफ को या बनाया जाता है, बल्कि इनकी इन बिटवीन वाली कंडीशन जो होती है मिडिल कंडीशन, उस कंडीशन में इसको पढ़ा जाता है। यानी ये असल में मजरोहा था, जब इसको जेर की तरफ मायल किया गया तो इसकी शक्ल ऐसे मजरीहा की तरफ बनी, लेकिन पढ़ा जाएगा मजरेहा, जैसे कतरे में रे पढ़ते हैं उर्दू में, जैसे रे पढ़ते हैं उसी रे की तरह पढ़ना है। ये कुरान में एक कलमे में होगा, ये किस सूरे में हो आप ढूंढ लेना। इस तरह फिर मैंने पढ़ाया वक्त के, कहे वक्त को मतलब पर ठहरना, वहां पे दो चीजें होंगी, एक आवाज रुकेगी, दूसरी सांस भी रुकती है, यानी सांस हम छोड़ते हैं नई सांस हम लेते हैं। फिर मैंने कहा उसमें चेंजेस कुछ होती हैं, आखिरी हरफ पर होती हैं, लास्ट हरफ पर, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश, इनको साकिन करते हैं। फिर रह गया दो जबर और खड़े जबर, दो जबर को अलिफ से बदलते हैं, खड़ा जबर और हरफ मद्दा साकिन हरफ, इनमें कोई चेंज नहीं होती, तशदीद बाकी रहती है लेकिन हरफ को साकिन कर देते हैं। सूरह हूद में है ये मजरेहा, सूरह हूद में आगे गोल ताको वक्फ में हाय साकिना से बदलेंगे, हा ही से नहीं बल्कि हाय साकिना से बदलेंगे। यह आपको समझ आ चुका हो?